अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। तो आज हमारा वीकेंड स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमें कल ऑफिस से छुट्टी मिल गई है। तो यार असल में ना 9 नवंबर की छुट्टी मिली थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमें नहीं मिली थी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सैटरडे को। तो आज बस इस बात पे शेर बनता है। हाँ, वो शेर ही कुछ इस तरह का है, डड्डू निकलते हैं बारिश के बाद, क्या बात है, क्या बात है। लोहड़ी निकलते हैं जुम्मे के बाद, तालियां तालियां, वाह 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 वाह, याल ने मुशायरा जीत लिया है। मेरा आपका मजा तो नहीं आएगा, चूसी मारी मैंने, लेकिन आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अच्छा यार, आज का प्लान कुछ इस तरह का, आज हम जा रहे हैं चिकन चीज कढ़ाई खाने, किसी ने हमें रेकमेंड किया है। तो आज जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं कराची रेड रॉक गुलबर्ग वाली ब्रांच इनकी ना, उधर जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही खाने लगा चिकन चीज़ कढ़ाई, मैं खुद फर्स्ट टाइम खाने लगा। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं फिर कराची रेड रॉक पे जा के। यार आज तो हमारा भी भला क्या हो गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है। इतने शौक से इतना मूड बना के हम लोग कराची रेड रॉक पहुंचे। अलग फ़ोन पे बात भी हुई थी उनसे कि हम डाइनिंग खुली, उन्होंने कहा डाइनिंग खुली हुई है। अब उधर पहुंचे तो भाईजान वो कहते कि अभी अभी जो है ना वो सील होगी, मतलब कि लॉकडाउन जो ये 3 दिन का इन्होंने जो लगाया हमारी हुकूमत साहिब जो भी है उन्होंने। तो बस यार ऊपर से भूख से बुरा हाल, तो फिर फटाफट हमने डिसाइड किया कि हम लोग फिर आ जाते हैं रेंचर्स पे, भी पास ही है मॉल 1 के अंदर है रेंचर्स। तो उधर आ गए हम, तो अभी उनकी भी डाइनिंग बंद है तो बाहर ही खड़े हैं वेटर वगैरह, तो ऑर्डर वगैरह ले रहे हैं। तो अभी हमने जो है ना उनका ऑर्डर किया है, ये देखें ये इनका मेन्यू है, ये देखें जी ये सारा इनके बर्गर्स की वैरायटी है। इनकी स्पेशल जो इनके बर्गर्स हैं जो है ना वो है एक ये चीहो बुचर और बिग बैंग, ये हैं 3 स्पेशल जो इनके जो मेन जो इनके हैं मोस्ट सेलिंग ये चीज़ें हैं। तो हमने तो बुचर ऑर्डर किया है। वो देखे हमारे बेचारे उस्मान भाई, भूख से बुरा हाल हो रहा है इनका, वो देखे बस यहाँ बाइट लेके बताओ। आज मैंने कुछ रिपोर्ट करना है बर्गर के बारे में, ये ना जिंकर नहीं है, ये शामी है। शामी नहीं है माशाल्लाह जी, बर्गर का साइज ध्यान के मुंह से भरा है। ये ले आगे का रखो, दिस इज द बुचर, दिस इज बुचर, सी बुचर बर्गर, जबरदस्त यार जबरदस्त। ये देखिए ऐसा बर्गर होता है जिंकर, इसी आप ये किट्स वाला खाएंगे। दिखा दे, ये भी दिखा दे, पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई है लेकिन हमारे दिलों में है। ध्यान फुल एंजॉय करते हुए आज ये हमारे व्लॉग में जान आ गई है ध्यान के आने से। हां नहीं है, आप मेरे कमेंट भी करना है कि मैं कैसा लग रहा हूं। ये था जी हमारा आज का व्लॉग रेंचर्स का, बड़े बहुत मजेदार था और सबको बहुत ही अच्छा लगा। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि 10/9/10 मतलब ठीक था, नॉट बैड, मतलब ज़बरदस्त है। आप नंबर से ही आपको पता चल जाएगा, बाकी ये भाई दूसरे भी बताते हैं कि इनको कैसा लगा बर्गर, बताएं जी। बहुत मज़े का लगा था, मैं तो पेट भर गया, मैं कुछ और खाऊंगा ना मेरा पेट ही भर जाएगा, इससे मुझे कोई कोई कुछ ना खाए। अच्छा चले जी, आप बताएं। बहुत जबरदस्त था यार, जबरदस्त था यार, जबरदस्त कोई चीज बताओ। कमेंट में आपने शेर भी बता दिया, शेर ने सुनाया था वो कैसा था। ये था जी आज का हमारा ब्लॉग, जाना हमने चीज कराई खाने जा, लेकिन किस्मत में हमारे लेंचर्स लिखा हुआ था, हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन जो भी जबरदस्त हैप्पी एंडिंग, क्या हो गई हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हो गई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।